हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम का वीटीयू मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेट 2 का है। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी हम आपको मॉडल पेपर 1 का सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम था, आरएचएस में आपका जो है पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ, तो हम आपको बताए थे कि कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली आपका सकते हैं कि सेम तरह का प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका आरएचएस में जो है वैल्यू डिफरेंट दिया हुआ, आरएचएस में भी इक्वेशन डिफरेंट है, लेकिन आपका प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आते हैं हम प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है d2y/dx2 + dy/dx = x² + 2x + 4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसको कैपिटल डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैपिटल डी के फॉर्म में कीजिएगा तो ये हो जाएगा d² + d (y) = x² + 2x + 4। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है कि डी को रिप्लेस करना है आपको एम से और उसको इक्वल टू कर देना है 0, यानी m² + m = 0। यहां से जो है आपका m कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका m + 1 = 0। यहां से m का दो वैल्यू आ रहा होगा, क्या क्या, m = 0 और m = -1। तो देखिए, रूट्स जब आपका रियल और डिफरेंट होता है तो yc क्या होता है, yc इक्वल टू होता है c1e^(m1x)। तो देखिए, m1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, तो 0 × x + c2e^(m2x). तो m2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1, तो -1 × x। तो ये हो गया आपका yc। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, yp फाइंड करना। तो जैसा पिछले वीडियो में हम आपको डिवीजन का रूल सिखाए थे, वैसे ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, yp हम फाइंड करते हैं, तो आप लोग yc का वैल्यू नोट कर लीजिए। तो yc इक्वल टू आपका क्या आ गया, yc इक्वल टू c1e^(0)(x) + c2e^-1)(x). देखिए, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये तो जीरो है, इसको वन लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वैसे 0 × x आप लिख दीजिए, लेकिन आप इसको फर्दर ब्रेक मत कीजिए ताकि एग्जामिनर को क्लियर पता चल सके कि आपका एक रूट 0 आया था और एक रूट -1 आया था, इसलिए इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए। अब yp देखते हैं, तो देखिये yp इक्वल टू आपका हो जाएगा y² + 2x + 4 / d² + d। तो देखिए, डिवाइड करने का हम आपको रूल बताए थे कि जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको आपको इंक्रीजिंग पावर में लिखना है। कहने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में था उसको कैसे लिखेंगे, d + d² और न्यूमिनेटर वाले टर्म को आपको डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, यानी x² + 2x + 4। तो देखिये, यहाँ पे जो है आपको बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे, कि जो है यहाँ पे हम किसका डिफ्रेंसिएशन करें कि आपको एक्स स्क्वायर मिले। बहुत लोग मन में हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और सोचेंगे कि किसका डिफ्रेंसिएशन जो है आपका एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन आप इसको ट्रिक तो नहीं कर सकते, नॉर्मल सा बात है कि d/dx ऑफ क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, क्या करें कि आपको एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए, आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। कहने का मतलब है कि अगर जो है ये आपको क्वेश्चन मार्क अगर फाइंड करना है तो आपको ये इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, x³/3। यानी कहने का मतलब है, जब आप x³/3 को जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 × x³ का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 3x², तो ये आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको x² मिल जाएगा, और आपको चाहिए भी x², यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है। वहां पे देखिए, आपको कांस्टेंट टर्म था तो आप मल्टीप्लाई करके इजीली लेते आ रहे थे, लेकिन जब भी आपको डिफरेंशिएशन वाला टर्म हो तो आपको इंटीग्रेशन करके उस पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, किस पर्टिकुलर वैल्यू से की मल्टीप्लाई करे जो कि आपको ये वाला टर्म मिले। तो यहाँ पे देखिए, आप इंटीग्रेट किया x² को, यानी x³/3 से आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए, ये x³/3 हो गया। अब देखिए, x³/3 का सिंगल डिफरेंशिएशन अभी हम फाइंड किए, क्या आ जाता है x², ठीक। उसके बाद देखिए, आपको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे x³/3 का, तो जब आपका सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया था x², तो इसका जब आप डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा तो फिर देखिए, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद x² बचा, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² का 2x, तो ये आपका हो जाएगा +2x। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका 4।
तो देखिए अब ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेट करके देखना भी नहीं है। तो किस चीज का जो है सिंगल डिफरेंशिएशन 4 आएगा, ये आपको बहुत ही सिंपल है, पता है प्लस 4x का आता है, क्योंकि x टू दी पावर 1 का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 4x का सिंगल डिफरेंशिएशन आपको 4 मिल जाएगा यहाँ पे, और डबल डिफरेंशिएशन 0 मिल जाएगा, और 0 लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका 4-4 0 बचेगा। तो जो आपका यहाँ पे कोसाइन आया था वही जो है आपका yp का वैल्यू हो जाएगा, यानी yp आपका क्या हो जाएगा, yp इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस 4x। तो देखिए अब आप yc और yp दोनों फाइंड कर चुके हैं, तो आपको पता है कि फाइनल आंसर क्या होता है, y इक्वल टू yc प्लस yp। तो अब हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, y इक्वल टू yc प्लस yp। अब दोनों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर 0 इंटू x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 1 इंटू x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 4x। तो यही जो है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।